हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने न्यू फ्रिज खरीदी है, तो आई एम गोइंग टू रिव्यू ऑन दिस फ्रिज। द कंपनी विच आई प्रेफर टू बाय इज एलजी, क्योंकि इट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिकमेंडेड कंपनी। सेकंड थिंग इज मैंने डबल डोर फ्रिज खरीदा है गाइस। तो ऐसा होता है ना कि हम अपने फैमिली के साइज के ऊपर फ्रिज खरीदते हैं, तो दो तीन मेंबर रहे तो सिंगल डोर इज ऑल्सो इनफ, बट मैंने डबल डोर खरीदा हुआ है। तो मेरी जो फ्रिज है इसकी कैपेसिटी है 240 लीटर्स, बट इसके अगर तुम ग्रॉस कैपेसिटी देखोगे इट इज 260 लीटर्स। ओके, एंड मैंने जो मॉडल खरीदा है ना वो 2023 का मॉडल खरीदा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप जब भी फ्रिज देखने जाओगे तो यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ होता है। तो ये मेरा मॉडल नंबर है, दैट इज N292BDSY2023, जो कि करंट ईयर है। तो आप भी फ्रिज लेने जाओगे तो करंट ईयर का ही फ्रिज लेना, क्योंकि तुम अगर पुराना फ्रिज लेते हो तो वो रीसेल में इतना अच्छा नहीं होता है। तो गाइज, इसकी 1 ईयर की ओवरऑल फ्रिज पे वारंटी है, और ये देखो 10 ईयर्स की इसकी कंप्रेसर वारंटी है। ये मेरा टॉप है फ्रिज का, तो आप देख सकते हो मैंने एलजी का ये वाला मॉडल इसलिए प्रेफर किया है क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड है एंड काफ़ी स्पेशियस है। मुझे स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए था। देन आइस मेकिंग के लिए यू हैव अ सेपरेट ट्रे ओवर हियर, एंड यहाँ पे भी कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं फॉर अ बेटर स्टोरेज। ये मेरा टॉप कंपार्टमेंट था। एंड सेकेंड थिंग, और एक फायदा बताती हूँ गाइज, हैंडल नहीं है फ्रिज को, तो ये एडवांस्ड है कि आई हैव अ नॉच ओवर हियर, तो हम नॉच को होल्ड करके ही फ्रिज को ओपन कर सकते हैं। ये मेरा बॉटम है, तो ये जो ग्लास आप देख रहे हो गाइज, ये टफन ग्लास है, तो ये अच्छा होता है क्लीनिंग पर्पस के लिए, तो आप भी देखना टफन ग्लास वाला ही लेना। एंड ये वाला काफी बड़ा कंपार्टमेंट है फॉर स्टोरिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यहाँ पे एग ट्रे दिया हुआ है, यहाँ पे और एक कंपार्टमेंट है, यहाँ पे वी कैन कीप बिग बॉटल्स अप टू 2 लीटर, एंड देयर इज आल्सो अ स्मॉल कंपार्टमेंट एट द बॉटम। तो गाइज, मैंने डबल डोर इसलिए चूज किया है क्योंकि ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये मेरा फ्रॉस्ट फ्री है। फ्रॉस्ट फ्री इन द सेंस यू विल नॉट फाइंड आइस गेटिंग डिपॉजिटेड एवरीवेयर। जो अपना सिंगल डोर का फ्रिज होता है उसका एक डिसएडवांटेज है कि जो आइस बॉक्स सेक्शन होता है ना वहाँ पे आइस डिपॉजिट होता है, यू हैव टू डिफ्रॉस्ट इट मैनुअली। लेकिन मुझे वो करने की जरूरत नहीं है, मेरे फ्रिज में ऑटो डिफ्रॉस्टिंग है, मतलब मुझे यहाँ पे कहीं पे भी आइस नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने डबल डोर चूज किया। और इसमें जो आइस मेकिंग होती है 90 मिनट्स में आई कैन मेक आइस। एंड नीचे जो एयर फ्लो है इस फ्रिज में, इट हैज अ मल्टी एयर फ्लो सिस्टम, द एयर विल बी फ्लोइंग फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस। और एक फायदा ये है कि मेरे फ्रिज को स्टेबिलाइजर की जरूरत नहीं है, तो 310 वोल्ट्स तक की जो करंट है उस तब तक मुझे स्टेबिलाइजर की जरूरत नहीं है। माई फ्रिज विल वर्क विदाउट अ स्टेबिलाइजर, एंड दैट्स व्हाई आई वुड ऑल्सो रेकमेंड कि आप ये वाला फ्रिज चूज कर सकते हो। 2023 का टॉप मॉडल है ये। थैंक यू।